मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कैनेडा मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से अमरीका से आगे है। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि कैनेडा को अमरीका का मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं है। अमरीका कैनेडा के नक्शे कदम पर चल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। ऑन्टेरियो के प्रीमियर ने फ्रीडम कॉन्वॉय मुजाहरों के दौरान राह फरार इख्तियार की है। ओटावा के सुबद्दोष होने वाले मेयर की कौमी इंक्वायरी के सामने पेशी। जिम वॉटसन का कहना है कि एहतजाज के दौरान शहर का कंट्रोल ख़त्म हो गया था। 2 साल में PIA के 7 फिजाई मेज़बान कैनेडा में गायब हो गए। एक और फिजाई मेज़बान टोरंटो एयरपोर्ट से पुरस्कार तौर पर गायब हो गया। गायब होने वालों में 3 खवातीन फिजाई मेज़बान भी शामिल हैं। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने यूक्रेन में तबाही मचा दी। रूसी हमलों में यूक्रेन के 30% पावर स्टेशन तबाह हो गए। रूसी खुफिया एजेंसियों से ताल्लुक का इल्ज़ाम। जर्मनी के साइबर सिक्योरिटी चीफ बरतरफ। ओपेक फैसले के खिलाफ अमरीका की जवाबी हिकमत अमली तैयार। फ्रांस में पेट्रोल की किल्लत, ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। फ्रांस को अपने तेल के ज़खायर इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना है कि अमरीका कैनेडा के नक्शे कदम पर चल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। कैनेडा पहले ही अमरीका से ज़्यादा खर्च कर रहा है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो इस खदशे को कम कर रहे हैं कि कैनेडा मौसमियाती कार्रवाई पर अमरीका से पीछे हो रहा है, क्योंकि वाशिंगटन ने अखराज को कम करने के लिए अरबों डॉलर के नए अखराजात शुरू किए हैं। ट्रूडो ने कैनेडियन इकदामात का दिफा किया और कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए कैनेडा के इकदामात अमरीका से बहुत आगे हैं। ट्रूडो ने मशवरा दिया कि वफाकी हुकूमत को $369 बिलियन का मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं है, जिसका ऐलान अमरीकी हुकूमत ने अपने अफराते ज़र में कमी एक्ट में किया है, क्योंकि कैनेडा के पास कार्बन की कीमत है और दुनिया के सबसे तफसीली आबो हवा के मंसूबों में से एक है। ट्रूडो ने कहा कि हम बिल्कुल मुसाबकती रहेंगे। अमरीका को बहुत कुछ करने की एक वजह यह है कि उनके पास आलूदगी से निमटने के लिए वाज़ह बजट नहीं है। उन्हें कवायद व ज़वाबित और मरात और सब्सिडी के जरिए करना है, जो हम पहले से ही आलूदगी पर काबू पाने से मुतालिक बड़ा बजट रखते हैं। वज़ीर आज़म का ये बयान ओटावा में कैनेडियन क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और कैनेडा की नेट ज़ीरो एडवाइजरी बॉडी के ज़ेर अहतमाम एक कॉन्फ्रेंस में सवाल और जवाब के सेशन के दौरान कहे। इस सेशन के दौरान मॉडरेटर ने ट्रूडो को चैलेंज किया कि वो वजाहत करें कि कैनेडा ने अपने अखराज के किसी भी अहदाफ को क्यों पूरा नहीं किया, और पूछा कि क्या कैनेडा आबो हवा के अजाइम पर अमरीका से पीछे है। ट्रूडो ने कहा कि अमरीका कैनेडा के नक्शों कदम पर चल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास आलूदगी की कीमत के साथ अब भी फवायद हैं। कैनेडा के माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के वजीर स्टीवन गैलब्लोट ने कहा कि जबकि अमरीका ने मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए $300 बिलियन से ज़्यादा का वादा किया है, कैनेडा $109 बिलियन मुख्तस कर रहा है। ये रकम उस रकम से ज़ायद है जो अमरीका ने फीकस की बुनियाद पर किया है। कैनेडा के दारुल हुकूमत ओटावा के सुबकदोश होने वाले मेयर का कहना है कि कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने फ्रीडम कॉन्वॉय मुजाहरों के दौरान अपनी जिम्मेदारियों से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की। दीगर अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडा के दारुल हुकूमत ओटावा के सुबकदोश होने वाले मेयर का कहना है कि कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने फ्रीडम कॉन्वॉय मुजाहरों के दौरान अपने जिम्मेदारियों से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की। कैनेडा में फ्रीडम कॉन्वॉय के एहतजाज को ख़त्म करने के लिए एमरजेंसी एक्ट की दरख्वास्त पर अवामी समातें जारी हैं। इसी सिलसिले में ओटावा के सुबकदोश होने वाले मेयर जिम वॉटसन ने
18 अक्टूबर को पब्लिक ऑर्डर इमरजेंसी कमीशन के सामने गवाही दी। कौमी इंक्वायरी के सामने अपनी पेशी के दौरान वाटसन ने तस्लीम किया कि एहतजाज के दौरान शहर का कंट्रोल ख़त्म हो गया था और उसे मुजाहरों में बहुत जल्द मदद की ज़रूरत थी, और कहा कि उनके ख्याल में कोई सवाल नहीं कि मुजाहरों पर हुकूमती रद्द अमल हर सतह पर नाकामी का शिकार था। वाटसन की गवाही ने शहर के अंदरूनी साजिशों पर भी नई रोशनी डाली। इसके साथ साथ ऑटावा ने किस तरह अहम सूबाई और वफाकी खिलाड़ियों के साथ खतों किताबत की, एक अहम इंकशाफ वाटसन की वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के साथ की गई गुफ्तगू के पढ़ने से हुआ, जिसमें इंकशाफ हुआ कि ट्रूडो महसूस करते थे कि ऑन्टेरियो के वजीर आजम डग फोर्ड सियासी वजूहात की बिना पर अपनी जिम्मेदारी से छिप रहे हैं। अपनी गवाही के दौरान वाटसन ने कहा कि ट्रूडो वो पहले शख्स थे जिनसे उन्होंने मजीद मदद की ज़रूरत के बारे में बात की थी, और ये 31 जनवरी को मुजाहरों के पहले हफ्ते के अख्तिताम के बाद हुआ। वाटसन ने कहा, पहली बार जब मैंने इजाफी वसाइल का मुतालबा किया था उस फ़ोन कॉल पर वजीर आजम के साथ था, और वो पूरी तरह से समझ गए थे कि हम किस सूरत हाल में हैं। वो ओटावा में रहता है और वो अपने शहर को दरपेश चैलेंजेस को खुद देख रहा था, इसलिए वो पहले शख्स थे जिससे मैंने रब्ता किया। कनाडा में फ़िज़ाई मेज़बानों के स्लिप होने को रोकने के लिए PIA ने मुतादित इकदामात किए, ताहम ये वाक़यात फिर भी रोनुमा हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में फ़िज़ाई मेज़बानों के स्लिप होने को रोकने के लिए PIA ने मुतादित इकदामात किए हैं, ताहम ये वाक़यात फिर भी रोनुमा हो रहे हैं। कौमी एयरलाइन का एक और फ़िज़ाई मेज़बान टोरंटो एयरपोर्ट से पुरअसरार तौर पर गायब हो गया। तफसीलात के मुताबिक एजाज अली शाह इस्लामाबाद से कनाडा के शहर टोरंटो जाने वाली PIA की परवाज PK781 में फ्लाइट स्टीवर्ड के तौर पर गया था, और 16 अक्टूबर को परवाज PK782 के जरिए वापस इस्लामाबाद आना था। परवाज की रवानगी से कबल एजाज अली शाह टोरंटो एयरपोर्ट से गायब हो गए। PIA ने वाकये की तस्दीक कर दी है। तर्जुमान PIA के मुताबिक टोरंटो जाने वाली परवाजों में तमाम फिजाई अमले से डिक्लेरेशन लिया जाता है। फिजाई मेज़बानों के पासपोर्ट स्टेशन मैनेजर के पास जमा कराना लाजमी करार दिया गया है। फिजाई मेज़बान के ड्यूटी पर ना पहुंचने पर कनाडा की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को इत्तला कर दी है। PIA के तर्जुमान के मुताबिक फ्लाइट स्टीवर्ड एजाज अली शाह के खिलाफ तहकीकात की जा रही है। इंक्वायरी मुकम्मल होते ही मुलाजमत से फारिग कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान PIA के साथ मुलाजमीन कनाडा में स्लिप हुए। गायब होने वालों में 3 खवातीन फिजाई मेज़बान भी शामिल हैं। तर्जुमान PIA के मुताबिक एयरलाइन ने 2 सालों के दौरान कनाडा में स्लिप होने वाले 7 मुलाजमीन को मुलाजमतों से बर्खास्त किया, उनमें 3 खवातीन फिजाई मेज़बान भी शामिल हैं। यूक्रेन के सदर ने कहा है कि 10 अक्टूबर से अब तक रूस यूक्रेन के 30 पावर स्टेशंस को तबाह कर चुका है। रूस को इन इकदामात का जवाब देना पड़ेगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने यूक्रेन में तबाही मचा दी। रूसी हमलों में यूक्रेन के 30% पावर स्टेशंस तबाह हो गए। हमलों के बाद शहर के कुछ हिस्सों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, जबकि रूस की खुफिया एजेंसियों से रابطوں के इल्ज़ाम पर जर्मनी के साइबर सिक्योरिटी चीफ को बरतरफ कर दिया गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन रूसी मिसाइल हमलों की जद में है। रूस ने यूक्रेनी शहरियों को दहशतज़दा और हलाक करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि 10 अक्टूबर से अब तक रूस यूक्रेन के 30 पावर स्टेशंस को तबाह कर चुका है। रूस को उन इकदामात का जवाब देना पड़ेगा। रूसी हमलों में यूक्रेन के 30% पावर स्टेशंस तबाह हो गए, जबकि दारुलहुकूमत कीफ में तवानाई तंसीबात पर रूस के 2 मिसाइल हमलों के नतीजे में 2 अफराद हलाक हुए। मिसाइल हमले के बाद थर्मल पावर स्टेशन से धुआं उठता दिखाई दिया। हमलों के बाद शहर के कुछ हिस्सों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। दूसरी जानब जर्मन वजारत दाखिला की जानब से जारी बयान में कहा गया है कि रूस की खुफिया एजेंसियों से रबतों पर साइबर सिक्योरिटी चीफ शोइन बॉहम को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि जर्मनी के साइबर सिक्योरिटी चीफ जर्मन साइबर सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए रूस की सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए काम करने वाले अफराद से रابطے में थे। जर्मनी की साइबर सिक्योरिटी काउंसिल 2012 में कायम की गई थी। काउंसिल कंपनियों, सियासतदानों और हुक्काम को साइबर सिक्योरिटी के मामले पर मशवरे देती है। ओपेक प्लस ममालिक की जानिब से तेल की पैदावार में कमी के मुमकिन फैसले के बाद अमरीका ने भी जवाब हिकमत अमली तैयार कर ली। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। ओपेक प्लस ममालिक की जानिब से तेल की पैदावार में कमी के मुमकिन फैसले के बाद अमरीका ने भी जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली, जिसका ऐलान सदर जो बाइडन की जानिब से रवां हफ्ते मुतवक्के है। जबकि फ्रांस में पेट्रोलियम मसनूआत की अदम फराहमी के खिलाफ
ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज है। ट्रांसपोर्ट यूनियन ने मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी हुकूमत नई हिकमत अमली के तहत अपने अहम ज़खायर से तेल फरोख करने का इरादा रखती है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि बाइडन इंतजामिया अगले माह होने वाले कांग्रेसी इंतखाबात से कबल तेल की कीमतों को कम करने की हिकमत अमली के तहत ये इकदाम उठा सकती है। ईंधन की मस्कूरा फरोख के लिए अमरीकी हुकूमत मुल्क के सबसे बड़े ज़खीरे 180 मिलियन बैरल में से 14 मिलियन बैरल तेल जारी करेगी, जिसका ऐलान बाइडन इंतजामिया पहले कर चुकी है। वाज़ेह रहे कि ईंधन की कीमतों में हालिया इजाफे ने महंगाई को कई दहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया है, जो अमरीकी सदर और उनके साथियों के लिए नवंबर में होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात से पहले ही खतरे का बायस बनी हुई है। दूसरी जानिब फ्रांस में ऑयल डिपोज की हड़ताल के बायस 3,000 के करीब पेट्रोल पम्प बंद पड़े हैं। हड़ताल का ये सिलसिला गुज़िश्ता 3 हफ्तों से जारी है और नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि साल 2010 के बाद पहली मर्तबा फ्रांस को अपने तेल के ज़खायर इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं। टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेक टीवी।